कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात कर रायपुर शहर में वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 2011 की जनगणना के बाद एक बार परिसीमन किया गया था और उसी जनगणना को आधार बनाकर 2024 में पुनः परिसीमन किया गया, जो नगर निगम के संविधान के विपरीत है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंप कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इस मुलाकात में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, जिलाध्यक्ष गिरीश देवांगन, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित थे। जबकि 2011 की जनगणना के आधार पर इसके पूर्व में दो बार परिसीमन किया जा चुका है और फिर 2024 के चुनाव में परिसीमन कराकर नगरीय निकाय चुनाव कराना भाजपा की क्या मानसिकता दर्शाता है, इस विषय को बताना कठिन है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को बहुत सारी तकनीकी दुविधा होगी, तकलीफें होंगी, जिसमें लाइन लगाकर पुनः राशन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, इन सब चीज़ों में जब वार्ड का नाम और वो चेंज होगा तो उनको अपना नाम बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। राशन कार्ड अभी बटा भी नहीं है, उस राशन कार्ड में नाम बदलवाने की 6 महीने की बात की तैयारी है। 2025-26 में जब नई जनगणना होना है तो उस आधार पर परिसीमन कर उस आधार पर नई परिसीमन को करना चाहिए था, ऐसी हमारी मांग।